मुझे नींद न आए, नींद न आए, नींद न आए, कट के भाग जाए, कट के भाग जाए। मुझे नींद न आए, कट के भाग जाए, खुजलाते हम रह जाए। ददोड़ा मच्छर दे गया, बदन में खुजाल दे गया। ददोड़ा मच्छर दे गया, बदन में खुजाल दे गया। जी हाँ दोस्तों, जब हमें मादा मच्छर यानी मादा एनिफिलीज मच्छर काटता है तो हमें नींद नहीं आती है और चैन भी नहीं आता है और हमारे शरीर पर मोटे मोटे दरोड़े पड़ जाते हैं यानी मोटे मोटे ददोड़े, और कुछ समय बाद हमें मलेरिया हो जाता है। जी हाँ, मलेरिया। जब हमें ये रोग हो जाता है तो आप डॉक्टर्स के पास जाते हैं और एलोपैथिक डॉक्टर्स आपकी जेब अच्छी तरह से काट लेते हैं, यानी आपके ऊपर बहुत लंबा चौड़ा चार्ज पड़ जाता है। जी हाँ भाइयों, गर्मियाँ आ चुकी हैं और इस गर्मी के मौसम के आते ही मच्छर बहुत तेज़ी से जन्म लेने लगते हैं। घबराना नहीं है, मुकाबला करना है इस मलेरिया का। जी हाँ, मलेरिया का। कैसे करें मुकाबला इस मलेरिया का, तो आज हम आपको बता रहे हैं कुछ ऐसे उपाय जिनको आजमा कर आपको मिलेगा मलेरिया बुखार से छुटकारा। तो नोट कीजिए, उपाय नंबर एक, एक गिलास गर्म पानी में एक चम्मच दालचीनी पाउडर तथा आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर और एक चम्मच शहद डालकर उबाल लीजिए और जब ठंडा हो जाए तो रोगी को पिला दीजिए। उपाय नंबर तीन, गर्म पानी में नींबू रस मिलाकर पीने से भी लाभ मिलता है। उपाय नंबर नेक्स्ट, 3 ग्राम चूने में नींबू निचोड़कर 1 गिलास पानी में मिलाकर रख लें। इस दवा को 2 चम्मच सुबह, 2 चम्मच दोपहर और 2 चम्मच शाम को दें। नंबर 4 पर आता है चिरायता। जी हाँ, चिरायता। चिरायते को मलेरिया के लिए एक अच्छा इलाज माना जाता है। इसके उपयोग से शरीर का बढ़ा हुआ तापमान कम होने लगता है। चिरायते की पहचान क्या है, चिरायते की भी पहचान आपको होनी चाहिए। चिरायता पतली पतली बारीक बारीक डंडियाँ होती हैं, हरे हरे रंग की, सूखी हुई, बहुत बारीक बारीक, जैसे बारीक बारीक छड़ों की सीख होती हैं, इस तरह से पतली पतली हरे हरे रंग की तीलियाँ होती हैं। जी हाँ, ये आपको कहाँ मिलेंगी, ये किसी भी पंसारी की दुकान पे मिल जाएंगी। जी हाँ, किसी भी पंसारी की दुकान पर आसानी से मिल जाएंगी चिरायता। इसका प्रयोग विधि क्या है, आपको करना क्या है, 250 ग्राम गर्म पानी लेना है, उसमें 50 ग्राम चिरायता और 5 लौंगे और 5 दालचीनी मिलाकर उबालना है। तो फिर इस औषधि को छानकर दिन में 3 बार लेना है। आप देखेंगे मलेरिया से बहुत जल्द आपको छुटकारा मिल गया और आप बहुत सस्ते इलाज मिल गया। जी हाँ, बहुत सस्ते में इलाज मिल जाएगा मलेरिया का अगर आप हमारे इन नुस्खों को आजमाएंगे। ये बहुत सरल नुस्खे हैं, बहुत सस्ते हैं और आसानी से आपके आसपास मिल जाते हैं। दवाइयों से क्या होता है, एलोपैथिक दवाइयों से क्या होता है, शरीर का खून जल जाता है और दूसरी बीमारी पैदा हो जाती है, यानी मलेरिया ख़त्म होगा, दूसरी बीमारी आपके शरीर में पनपने लगेगी। लेकिन देसी जड़ी बूटियों में ये बात नहीं है, आपकी कोई भी बीमारी होगी उसको जड़ से उखाड़ पाएगी। मलेरिया के लक्षण क्या हैं, जब मलेरिया किसी भी रोगी को हो जाता है तो उसे ठंड लगने लगती है, बुखार आता है और पसीना भी आता है, थकान महसूस होने लगती है, यानी बदन थका थका महसूस होगा, कमज़ोरी महसूस होगी, सिर दर्द होगा और उल्टी भी लगेगी, और उसका जो हार्ट है यानी दिल है उसका धड़कने की रफ्तार भी बढ़ जाएगी। मलेरिया से बचाव क्या क्या है उसे भी नोट कर लीजिए। जी हाँ, दवा से अच्छा बचाव होता है, बट दवा भी कीजिए
और उपाय भी कीजिए और मलेरिया से बचाव भी कीजिए। तो बचाव नंबर एक, घरों में कीटनाशक दवा का छिड़काव समय समय पर किया जाए। नंबर दो, मच्छरदानी का प्रयोग करें, इससे 70% मलेरिया कम हो जाता है और इसकी कीमत भी बहुत कम होती है। यानी 70% मलेरिया के रोग हमारे आसपास से कम हो जाता है और 70 रुपये की ही मच्छरदानी आपको लेनी पड़ेगी जो कई सालों तक चलेगी। बचाव नंबर तीन, अपने आसपास कहीं भी पानी इकट्ठा ना होने दें, पानी को ढककर रखें, खुला ना छोड़ें। गड्ढों में खड़े पानी में DDT का पाउडर छिड़कते रहें। DDT का पाउडर यानी DDT का छिड़काव समय समय पर करते रहें। तो भाइयों, ये थी मलेरिया से संबंधित कुछ जानकारियाँ। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और सभी जान पहचान के लोगों को शेयर भी कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो सांस की बीमारियों का इलाज के साथ। धन्यवाद।